अब बताएगा आया क्यों था, ये बकवास बातें करने के लिए आया था। I have news, good news. क्या? मुझे लगता है कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। मतलब पीनेट के टॉप मैनेजमेंट में मेजर चेंजेस हो रहे हैं, पुराने लोग छोड़ रहे हैं, नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं और मुझे लगता है मेरा भी नाम है लिस्ट पे। पीनेट की मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया है कि उनको कंपनी बेचनी है। उस कंपनी को खरीदने के लिए मैंने भी बिट किया है। कबीर स्वरा आपके अंडर काम करेंगे अभी। अगर वो कंपनी में रहे तो। ट्राई स्माइलिंग, मतलब खुश हो सकती है मेरे लिए ने? क्या हो फिस्टी, कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओह या, थैंक यू। वैसे अगर तू वीनेट में होती ना तो तेरा भी पक्का प्रमोशन था। हाँ, तेरा बॉस नहीं होता। अच्छा सुन, जैसे ही मेरे प्रमोशन का कॉन्फर्मेशन आता है हम सब एक ट्रिप पे जा रहे हैं, फुली स्पॉन्सर्ड बाय मी। ओके, तू, मैं, काजल, श्री, एवरीवन। एंड आई थिंक तू भी एक ब्रेक यूज कर ही सकती है सब तामझाम के बाद। उसे फिलहाल काम करने की जरूरत है। आई मीन ट्रिप्स के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है यार, अभी थोड़ा काम कर ले। ऐसे अभी शादी के टाइम पे बहुत ब्रेक हो गए, सो आई थिंक वर्क इज इम्पोर्टेंट। और ये आप कह रहे हैं, क्या हो गया सर को? आई मीन जहाँ तक मुझे याद है आप ही तो कहते थे कि वर्क और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, नहीं? और ये ट्रिप निया के लिए स्ट्रेस बस्टर हो गया, अगर स्ट्रेस कम होगा तो क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, नहीं? लेकिन उसके हाथ से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, राइट निया? आई थिंक निया को पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है और वो अपने फैसले खुद ले सकती है। बिल्कुल सही, और जैसा मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं अपना डिसीजन किसी को थोपता नहीं, एंड आई एम श्योर निया सही डिसीजन ही लेगी। ओह, सो निया का क्या डिसीजन है, उसने आपको बताया? हाँ, इसे समझ लो। गाइस प्लीज प्लीज स्टॉप इट, मेरी लाइफ है और मैं खुद के डिसीजन ले सकती हूँ, एंड आई रियली डोंट वांट आप दोनों के ओपिनियंस, प्लीज। यू राइट, आई सरेंडर, आई एम सॉरी। आई गेस ही इज राइट। खैर मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ, और यू गाइस हैव अ नाइस डे, आई सी यू। मैं नहीं जाने दे रहा, हद हो गई। मेरी माँ को लगता है मैंने 50 साल के बुढ़े से शादी की है, लेकिन मुझसे कोई पूछे 5 साल का बच्चा है। अरे सुनो तुम शर्मा, अरे कहाँ हो भाई, बाहर निकलो। ससुराल वाले आए, साला है, सुबह सुबह आरोप है। अरे अंबर शर्मा, अबे क्या साले, क्या शोर मचा के रखा हुआ तूने? अच्छा तुम साले रायते पे रायते पे रायता फैलाए जाओ, हम शोर भी ना मचाएं। बक पे, एक पैसे की तमीज नहीं है साले, मतलब पैच 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 मुंह से, मतलब बिल्कुल लीड 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 कर दिया। अरे साले 50 साल पुराना जोक चलाए जा रहे हैं साले। अबे 50 साल पुराना जोक है साले, मुझे याद नहीं रहता, तुझे रहता होगा याद, समझे? बात कर रहे हैं तुमने भलपल भलपल मुंह से, तुम्हारी जवानी तो मतलब एकदम अभी अभी फूटी है ना, जब भी मुंह से कुछ निकलेगा ना तुम्हारे, मतलब गंदी निकलेगा ना, भसड़ चंद तुम बचपन से हो साले। अरे तो हमेशा से तुम एक, कौन से मोहल्ले की गलियों से आ रहे हो आप दोनों? सेम मोहल्ला, बचपन से। हाँ, अरे नहीं कैसा है, बात ऐसी है दरअसल कि अभी नया नया रिश्ता बदला है ना, मैं हो गया हूँ दुल्हन का मुंह बोला भाई, तो ये रिश्ते में हो गए मेरे जीजा और मैं हुआ इनका साला, लेकिन मैं इसको जीजू ना बोलूं साले को। और सुनो मेरी बहन को बुलाओ। तुम्हारी बहन है, तुम बुलाओ साले। अरे बोलो कि भाई आया है पग फेरे के लिए लेने, तो आ गई। ओ हाँ राइट, पग फेरा भी तो होता है ना। कुछ करना पड़ता है क्या इसे भेजने से पहले? आई मीन मुझे पता नहीं है ना, मैं पहली बार सास बन रही हूँ यार। मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो पहली बार बहू बन रही हूँ। ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, क्या जरूरत है, वैसे भी हम कौन सा रूल के हिसाब से करते हैं, जो मन में आएगा बना लेंगे ना। फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं ना। ओ लाला, क्या कलू रात पिया, ब्याह के दिया, क्या क्या किया, उड़दम उड़दम नो उड़दम, मतलब सिर्फ रात आगे बड़ी, बात आगे ही ना बड़ी, क्यों नहीं? हाँ, मतलब रात भर सिर्फ गैस प्रोडक्शन होती रही, डोर उड़ा डूम,
तुम्हें बेदर्द मेरी बदकिस्मती पे ऐसे मत हंस। तुम्हारी बदकिस्मती पे नहीं, तुम्हारी बदहजमी पे हंस रहा हूँ। आगे चलो 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 तो वो चलो। कर लेंगे ठीक है। हाँ चलो चलो करना तो माँ को ही है ना, हमको क्या करना। हाँ, ठीक है चले फिर। चलो सुनो एक सेकंड। क्या जरूरी बात करनी है जरा कुछ? यार सामने जा रही है भाई, सामने दूसरे गांव नहीं ले जा रहा हूँ अपनी बहन। अरे दो दिन बाद आ जाएगी, तुम बात कर लेना फिर। क्या चलो हो गया तेरा? बोलो। हाँ तो साला यहाँ से आगे निकल, कान बंद कर गाने का। चल दोनों को दोनों चलो चलो चलो। अरे बोला कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात सुनो। जरूरी है क्या था ना, मतलब आज शाम को वापस नहीं आ सकते? एक रात की तो बात है, एक रात तो पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी फिर से एक बार एक साथ सोने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो टाइम मिल जाएगा, और दो दिन तो देखते देखते निकल जाएगी। नहीं 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 निकलेंगे ना, इसलिए तो बता रहा हूँ। सच में कट जाएगी एक दिन। एक, एक, एक। अब चलोगे? अरे हो गया। हाँ आ रही हूँ। सुन बोलो। बाय। अच्छा ठीक है जाओ जाओ। अब बड़े वो हॉल उठ रहे। मेरी बेटी मेरी बेटी, कल तक शादी नहीं हो रही थी तो ये सोच रही थी कि है टल नहीं रही टल नहीं रही। अब शादी हो गई तो फिर लड़की वापस चाहिए। ये देख ले हरकतें। चाहिए ना, बेटी की शादी की है, घर से बाहर ही निकाला है मैंने। देख कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खुश लग रही है मेरी बच्ची। हाँ जी इसी घर में आके खिली थी, यहीं पे खुश थी, वहां जाके दाड़े मार के रोना ही है उसने। अरे जा जा। पर आंटी प्लीज जल्दी भेज देना उन्हें, हम लोग ऑलरेडी मिस करने लग गए हैं। चिंता की बात ही नहीं है, मैं ले आऊंगा। ओए क्या ले आएगा तू, पग फेरे के लिए आई है, जब मेरी मर्जी होगी तब जाएगी। एक दिन से ज्यादा नहीं उनकी सास का हुकुम है। अरे तो सास की तरह बोलने तरह। बड़ी आई। एक दिन से ज्यादा नहीं उसकी सास का हुकुम है, सुना बहू? गुड। ऐसे किसके साथ बोलती है? आपकी? तब तो पक्का आने पड़ेगा। ये तो बड़ी प्यारी सास है। अच्छा छोड़ो, लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। गुनीत वहाँ रहे या यहाँ रहे? राजमा चावल तो मेरे किचन से ही जाएंगे भाई। आंटी हमें भी भेज देना। हाँ साथ में खाएंगे। आजे बेटा। कुलदीप जी जल्दी आना। यार उन दोनों के बीच में ऑलरेडी इतना टेंशन है, इमेजिन जब कबीर को पता चलेगा कि आरबी सर ओनर है विनर के तो फिर क्या होगा। और जब ये पता चलेगा कि तुझे सब पता था पर तूने फिर भी वॉर्न नहीं किया तब क्या होगा? यार वो तो वैसे भी नहीं बता सकती थी ना, एथिकली रॉन्ग होगा। पर उससे ज्यादा टेंशन पता है किस बात का है मुझे? जब कबीर को ये पता चलेगा कि मैं उसके बॉस होने वाली हूँ तब क्या होगा यार? ओहो बेटा तब तो डीके बॉस आएंगे। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। वो इतना प्लान करके बैठा है, उसे लग रहा है शायद उसे प्रमोशन मिलेगा या मैनेजमेंट चेंज होने वाली, वो इतना खुश है। नहीं कर सकती यार ये ऐसा, मुझे जब किसी चीज की जरूरत होती है ना ये लोग सब सारा काम छोड़ करके आ जाते हैं यहाँ पे। डैड की शादी में एक दिन भी घर पे नहीं गए, सब लोग यहाँ पे रुके। नहीं कर सकती यार मैं, आई मीन आई नो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बहुत बड़ी डील है मेरे लिए, बट दोस्तों से बढ़कर नहीं है यार। बट देख मैं बता रही हूँ प्रॉब्लम होने वाली है। एक तो ना हमारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है, हम करियर को प्यार से ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कौन सा प्यार यार, कोई प्यार नहीं है। वैसे भी स्वरा कबीर की लाइफ में है रिमेम्बर? हाँ हाँ हाँ, ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है निया, मान ले मेरी बात।
Mr. Kabir Pant, may I come in? Of course you can come in. Tantaran! ये इतना बड़ा टिफिन किसका है भाई? हमारा है। आज से सिर्फ होममेड फूड, वो भी स्वरा जोशी के हाथ का बना हुआ। Really? This one. मतलब तुम्हें ऑफिस का इतना काम होता है यार और फिर क्या जरूरत थी स्वीटहार्ट ये सब? क्या करूं डार्लिंग, आपने मुझे घरेलू जो बना दिया है। हमने आपको घरेलू बना दिया? I just did it, I'll get plates. Okay. How's your assignment going? Good, but बहुत काम बाकी है। तुम इस पे बैठो। Thank you. क्या बात है सुरा जोशी, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। You know something कबीर? मैंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ काम पे फोकस किया है, ये सब कभी नहीं किया। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर मी। एंड यू नो व्हाट, इट फील्स अमेजिंग। आई मीन तुम्हारे साथ ऑफिस में एक साथ, तुम्हारे साथ घर में एक साथ, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव दिस। अरे मैं बताना भूल गई, मॉम का चंडीगढ़ से फोन आया था, कुछ पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? यही कि हम एंगेजमेंट कब कर रहे हैं। फिर कहने लगी कि शादी के लिए नहीं कह रही हूं पर कम से कम एंगेजमेंट तो कर। एक मिनट लिसन, मैं ना तुम पर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल रही हूं कबीर, इट्स जस्ट दैट मुझे लगता है कि अब हम दोनों को हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए, है ना? आई मीन जब मैं और तुम कमिटेड हैं तो ये सब तो नेचुरल है ना, और फिर बाकी के लोग भी तो एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा है पग फेरे का मतलब होता है सारी रात वो यहीं रहेगी। अरे तो फेरा ही तो डालना है ना, फेरे का मतलब क्या है? यू करके अंदर घुसे, अबाउट टर्न मारा, यू करके आ गए वापस, फेरा पूरा हो गया। मैं समझो इस बात को ना। मैं बात करती हूं। नहीं, इनसे बात करके कुछ फायदा नहीं है, समझ में नहीं आनी इनको बात। तो एक सेकंड रुक, गुनीत 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 समझने की कोशिश करो। तुमने कहा था ना कि एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी होता है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, एक काम करते हैं, एक दूसरे की आदत अभी से डालते हैं। चलो शाबाश। ओए सुन, दमाद हो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, और दमाद नहीं होते ना तो पटियाला वाली जबान में समझाती। माँ, आंटी प्लीज मान जाइए ना, मतलब इतना बोला है उन्होंने तो अब तो कर दीजिए ना आरती प्लीज। पम्मी बहन जी, अब आप भी बोल दो। बोल दो? बिल्कुल। आरती तो हमने 2 घंटे पहले ही कर दी है, वो तो मैं बस इसको देख रही थी। ले जा अपनी गुनीते को। ए बढ़िया सी पम्मी, हुन मैं भी अपना सामान शमान पैक कर लूं। वो क्या है ना कि मेरी शाम की ट्रेन जो है। तू कहाँ जा रही है? हम तो साथ में जाने वाले थे ना पटियाला, 2-4 महीने तूने कहा था मैं आके रह लूं तेरे साथ। देख लवली, तू अपनी बात से मुकर रही है। ऐसी कोई गल नहीं है पम्मी, पता है पहले बात कुछ और थी, हुन मामला कुछ और है गा। कोई क्या मामला हो गया है लवली? तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब मैं बेघर हो गई हूँ, तेरे घर में आके कहीं जम के ना बैठ जाऊं? ओ ना ना मम्मी, ऐसी कोई गल नहीं है। क्या है ना कि इंद्रजीत और उसकी बहन है ना, वो आ रही है अपने पति और बच्चों के साथ, तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकती ना कि मेरे कार में जगह नहीं है, समझना। हाँ हाँ, इंद्रजीत को कैसे कहेगी, वो तो लंदन से आ रहा है ना, कह तो तू मुझे ही सकती है खाली, अब मैं कहाँ जाऊंगी? कैसी बातें करती हो माँ, ये कोई बात है बोलने वाली? ओ ठीक है, फिर मैं गुनीत और अंबर के साथ चली जाती हूँ। मैं चलती हूँ जी आपके टाइम्स, साथ। टाइम्स 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 एक सेकंड। मतलब मुझसे किसी ने पूछा नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, अपने आप से तय कर लिया आपने? कुछ तय नहीं हुआ है, बस बात हो रही है। इसमें तय करने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता कि मतलब जब मन किया चलो जी अंबर शर्मा के घर चले, मतलब इस... बेटी के घर जाने के लिए कोई इजाजत थोड़ी लेनी पड़ती है। ना ना, इजाजत शब्द का तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, ये मैं तुझे पहले पूछ किया हूँ तब तू आने देगा मुझे? पूछने की नहीं, आप बात घुमा के अगर वहाँ पे लेकर आनी तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। ठीक है ना, अभी तो मना कर रहा है ना मुझे, जब 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो हाथ जोड़ के ले जाएगा मुझे कि चलो मेरे बच्चे पाल दो। क्या बोल रही हो माँ? एक सेकंड, किसके बच्चे, कौन से बच्चे? आप घर चलो ना। नहीं तू बुला, नहीं घर। क्या बात कर रही है? क्या आप ही हद करती हो, आप ना कोई मौका ही नहीं छोड़ती। देख रही है अभी से ये हाल है, आगे पता नहीं क्या होगा। शांत रहना। मैं शांत हूँ, मैं पानी भी लेकर।
तुम्हारी माँ बोरिया बिस्तरा लेकर इस घर में आ रही है, इस बारे में मुझे बता देती कम से कम। मेरी माँ है अम्बर जी, मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे मैंने ये नहीं कहा कि वो यहाँ पे नहीं आ सकती, पर ये काम मुझे बता के भी हो सकता था ना। तो उन्हें भी कहाँ पता था? आपको पता है ना कि वो पटियाला जा रही थी बुआ जी के साथ, वो तो बुआ जी ने लास्ट मिनट में अपना प्लान चेंज कर दिया ना, तो वो क्या करती? मुझे क्या पता क्या करती भाई, लेकिन अगर 2 महीने पटियाला जा रही थी तो वहां से फिर वापस आ जाए ना, 2 महीने का ही गैप रख लो, क्या प्रॉब्लम है इसमें। वाह, वैसे तो आप कहते हैं कि ये मेरा भी घर है, और जब कुछ सोचने या करने की बारी आती है तो सब कुछ आपके हिसाब से होगा। ना 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 ना, हमारा घर है हमारा, तुम्हारा और मेरा, इसलिए यहाँ पे जो होता है कम से कम उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए ना। ऊपर वैसे ही किराएदार है, मैं क्या बोलूँ उसको कि मेरी सास आ रही, चलो कट लो यहाँ से। तो मैं अपनी माँ को क्या बोलूँ? नहीं क्या बोलूँ कि नहीं माँ, मेरे घर में आपके लिए बिल्कुल जगह नहीं है, यहाँ पे तो आप आके रह ही नहीं सकती हैं। अरे मुझे क्या पता क्या बोलूँगी उनको यार। हाँ आपको कैसे पता होगा, अब तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा ना, अब तो आपकी शादी हो गई। होगा, मुझे ही पता होगा। ये एक सेकंड, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? क्योंकि इन्हें ना तकलीफ हो रही है कि मेरी माँ यहाँ आएगी। नहीं, नहीं, हमने डिसाइड किया था ना कि मेरी माँ मेरे साथ ही रहेंगी, कहाँ जाएंगी मेरी माँ बताओ निया। अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा यार, लेकिन वो 2 महीने के बाद आने वाली थी, अभी वो 2 महीने पहले टपक रही। तो क्या करे, उन्होंने तो प्लान चेंज नहीं किया ना, तो प्लान तो लवली बुआ ने चेंज किया, तुम्हारे सामने तुम तो वही थी ना, कहाँ जाएगी। तो हो सकता था ना, तो बताया तो, जब पता चला तभी तो बताया। ये तुम कमाल कर रही हो यार इस चीज के बारे में। टाइम आउट। देखो मुझे मत इन्वॉल्व करो, आप दोनों के आपस का मामला है, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूं। सुन, तुझे बीच में नहीं पड़ना, क्यों नहीं पड़ना? तू तो उस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ पे रहते नहीं है तू? या मैंने शादी कर ली तो मैं तेरा बाप नहीं हूँ? डैड प्लीज, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो आप मुझे। ठीक है, ये हमारे बीच का मामला है, निया तुम जाओ अपना काम कर। हाँ। बच्चे को ना परेशान करके रखते हैं। क्या परेशान कर, खुद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते आप। यार मुझे उन लोगों के बीच में आके संभालना पड़ा, पर पता किस चीज के लिए लड़ रहे थे वो लोग? पम्मी आंटी के लिए। मुझे लगता है ना यार ये शादी ऐसी ही चलने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली दोनों में प्यार एंड ऑल बहुत है, पर दोनों ना एकदम अलग पर्सनालिटीज हैं यार, मतलब जिद्दी। मुझे लगता है कि कभी कभी ना ये 3 पहियों वाली गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी। या फिर तू आराम से पीछे बैठ सकती है और गाड़ी ही नहीं चलाने दे। I mean, क्या होगा, गिरेंगे पड़ेंगे, खरोचे आएंगी, टकराएंगे, फिर उठ के फिर चला लेंगे, पर खुद ही चलाएंगे ना, तू कब तक चलाती रहेगी? राइट, बोलना ना बहुत आसान है पर करूं कैसे? एक्सीडेंट होने का डर लगता है यार। एक बात बोलूं? बोल। तुझे ना थोड़ा ईज आउट होने की जरूरत है। पहले तो अंकल को अकेला नहीं छोड़ रही थी, अब तो इन दोनों की शादी को अकेला नहीं छोड़ रही है। तू जब तक पीछे हटेगी नहीं, ये लोग आगे बढ़ेंगे कैसे मिया? हम एंगेजमेंट कब कर रहे हैं? मुझे लगता है कि अब हम दोनों को हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना चाहिए, और फिर बाकी के लोग भी तो एक्सपेक्ट करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? कबीर प्लीज, मुझे ना तेरी मूड स्विंग्स पता चल जाते हैं। तो क्या हुआ बोल? बोल, क्या स्ट्रेस है? क्या मतलब, कुछ है ही नहीं, मतलब तू जा अपने दोनों बच्चों को संभाल जाके, ठीक है? मैं ठीक हूँ। बताना क्या हुआ? तुझे पता है ना, तू मुझे हर चीज बता सकता है। हाँ बाबा मुझे पता है, मैं कभी भी तुझे कुछ भी बता सकता हूँ, पर कुछ होना भी तो चाहिए ना बताने के लिए, नहीं है कुछ है ही नहीं तो। कबीर अभी कुछ नहीं है, चल बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.